श्री ईश्वर महादेव जी का मंदिर पोशित्रा, बहुत कमाल का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर। और इस मंदिर का एक बहुत पौराणिक इतिहास है, ऐसा बता रहे थे कि ये त्रेता युग से इस मंदिर का संबंध है, पांडवों के समय से इस मंदिर का संबंध है। मंदिर में प्रवेश करें उससे पहले पांडव के समय का ये चूंकि मंदिर है ऐसा हमको बताया था। ये हम 5 हवन कुंड देख रहे हैं, और जब पांडव अज्ञातवास में बाहर थे या जंगलों में थे तो उस समय यहाँ पर उन्होंने तप किया था, ऐसा हमको यहाँ के पुजारी जी ने बताया। ये कपिल गंगा है, और ये कपिल गंगा का भी एक अपना इतिहास है, और ये संपूर्ण वातावरण एक बहुत ही रमणीक है। यहाँ बड़े बड़े बरगद और उन बरगदों की सुंदरता अपने आप में बहुत खास है। ये एक पौराणिक काल का मंदिर है, श्री सारणेश्वर महादेव से पुराना कहेंगे हम इन मंदिर को। हम मंदिर में प्रवेश करें उससे पहले अगर हम बाहर के नज़ारे को देखेंगे तो बहुत 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 कमाल का है। हाँ, तो हम एक बार इस बाहर के विहंगम नज़ारे के साथ अंदर प्रवेश करते हैं, और आखिर हम ईश्वर जी महादेव मंदिर पोशित्रा के मुख्य मंदिर में पहुँचे हैं। और इस मंदिर की कई कहानियाँ हैं, यहाँ गंगा प्रकट हुई है इस तरह का भी इतिहास है। यहाँ ये हवन कुंड है जहाँ हवन आदि होते हैं। मंदिर बहुत पुराना है और समय के साथ जीर्णोद्धार और ये सब हम देखते हैं। आप मैं सबसे पहले तो श्री ईश्वर महादेव जी को नमन करता हूँ। श्रावण का महीना चल रहा है, और श्रावण में महादेव के दर्शन, महादेव जी के दिव्य दर्शन अगर हमको हो जाते हैं तो हमारा एक स्वाभाविक कल्याण निश्चित है। और हम यहाँ इन सभी प्रतिमाओं को भावपूर्ण तरीके से देखें, श्री हनुमान जी महाराज को देखें, और इधर हम श्री गणपति जी को के दर्शन करें। मंदिर के अगर हम मूल मंदिर में देखें एक बार ध्यान से और आपको दिखाने की कोशिश करें, तो यहाँ हम श्री गणपति जी को देख रहे हैं, श्री भगवान विष्णु जी के दर्शन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी के, माँ पार्वती जी के, और ये अन्नपूर्णा माँ जिनकी कृपा से संसार चलता है, और भगवान दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय भगवान, हाँ, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश होता है। हम इस देखिए मंदिर इतना पौराणिक है, और यहाँ एक और फोटो देख रहे हैं क्योंकि यहाँ तमाम आस्था की बातें हम देख ही रहे। अमृतस्य पुत्रम, पंडित जी आप यहाँ के पुजारी जी हैं, और ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी कई पीढ़ियाँ पूजा करते हुए आपने लाभ लिया है, इस मंदिर के बारे में आप क्या कहेंगे साहब? ये मंदिर है बहुत त्रेता युग पहले का मंदिर, त्रेता युग से पहले का मंदिर है, जी जी, प्राचीन मंदिर है जी। इधर 8 जीव समाधि है, 8 जीव समाधि, उनके भी हम दर्शन करेंगे। पांडव ने भजन किया इधर, पांडवों ने यहाँ भजन किया, जी जी जी, और यहाँ आज भी नियमित पूजा पाठ होती है, त्रिकाल पूजा होती है, त्रिकाल पूजा होती है, सुबह कैसे सरदा, शाम को भस्मी सरदी है। ओए हाय 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 हाय, गजब गजब, उनका विभूति का हुआ है। अच्छा, भस्मी सड़ी है, सुबह आपने देखा होता तो उसका दूसरा, सुबह केसर सरदा, शाम को भस्मी सरदी है, सुबह केसर शाम को भस्मी, मतलब त्रिकाल पूजा होती है। और अनादि काल से है, हम अगर त्रेता युग की बात कर रहे हैं, 4 युग हैं, और उस युग के भी यहाँ पे बात, 10 सोमवार को मेला लगता है, ये क्या होता है, 10 सोमवार को मेला लगता है, हर सोमवार को भीड़ होती है, ओहो, मेला लगता है और भक्तों की भीड़ होती है, भक्तों की भीड़ होती है। मैं इस एक बार उन संतों के दर्शन जरूर करा दें, क्योंकि यहाँ पर जैसा अभी बता रहे थे 8 जीवित समाधियाँ, और हमको हम वहीं से शुरू करते हैं। अगर ये देखिए एक हॉल है, और संतों के लिए या हमारे तमाम आने वाले के लिए एक व्यवस्था होती है एकदम। यहाँ एक और हम देख रहे थे, साफ सुथरा है सब कुछ। ये मुनि जी महाराज की वो कुटिया है जिस पर बैठकर उनको आपने भजन किया था,
जी अमरकोट राय अमरकोट हाँ नहीं इनका एक इतिहास है, वास्तान जी में भी हमने कई बार सुना था, लेकिन ये वो संत हैं जो रसो सिद्ध संत थे जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी। मैं इनको हृदय से नमन करता हूँ, इनके दर्शन करके मैं भी धन्य हो गया। आप क्या कहेंगे? अमरकोट के बांसे आबू में पधारिया है। ओके, आबू झाड़ी बहुत पर्सन आई। अच्छा, जो इधर ही भजन किया। अरे वाह वाह वाह, ये बात हम कई बार कहते हैं कि आबू एक वो जगह प्रतिमा लगाई बांसी। हाँ, प्रतिमा लगा के उनको देखा कि भाई उधर जाने का कोई जरूरत नहीं, इधर भजन करो अपना। अमरकोट पाकिस्तान, पाकिस्तान से ये एक शमशेर गिरी जी नाम के संत पधारे थे, मैं उनके एक बार दर्शन करवा देता हूँ। और ये रसो सिद्ध संत थे जिनके अनेक स्थानों पे मंदिर है। राजपूत का दूध बड़ा हटदार है। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए, सोड़ा राजपूतों का आज भी पाकिस्तान में डंका बजता है साहब। और इसी कड़ी में मैं उन तमाम समाधियों के भी एक बार दर्शन करवा दूं उन, क्योंकि ऐसा बता रहे थे कि जो आबू में जो भगवान हैं वो सारे भगवान यहाँ मौजूद हैं। ये श्री पहाली पतालेश्वर महादेव, इसका क्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना, पहले का। जी जी जी, पहले का मंदिर है, पहले का। चलिए प्रकाश जी, आप बहुत अच्छी जानकारी हमको दे रहे हैं। और इसी कड़ी में श्री शमशेर गिरी जी महाराज, जिनको हम मुनि जी महाराज के नाम से दुनिया जानती है, इनकी भी एक भव्य यहाँ प्रतिमा को हम देख रहे हैं। और श्री शमशेर गिरी जी महाराज, श्री माया भारती जी महाराज, श्री माया भारती जी महाराज की ये भूमि है, मेन मंडवाड़ा की। अच्छा, मेर मांडवाड़ा की जन्मभूमि, गढ़बाड़ी बाबा इस पर है, गढ़बाड़ी बाबा थे, लेकिन यहाँ इनकी समाधि है और जीवित समाधि। ओ हो, देखिए जीवित समाधि का हम ये एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि जब वो सोहंग में या अजपा जाप में निपुण हो जाते होंगे संत महात्मा, और वो फिर शरीर को सहज रूप से ये बदके जी महाराज जीवित समाधि लिए हैं। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने दो तालाब बजाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मेर मांडवाड़ा, मतलब उन्होंने तालाब खुदवाए थे। ये चीज ये नोट करने की है, संत समाज जल संरक्षण का भी कितना, एक कुआ खड़ा है, पिस्को बनाया है, ये बिल्कुल बारह कुआ है। जी जी, उसको भी हम देखेंगे। गौरी शंकर महादेव के हम दर्शन, उनके ऐसा इतिहास है जी, ये इधर आओ जी, वो पहले का बैल होता था, हाँ बैल को ये चलाते थे, जो बैल नहीं चलने वाला था ना, हाँ। बावसी चलाते थे। अरे वाह वाह, इसका बावसी का ऐसा इतिहास है कि कभी भी नहीं चलने वाला है ना, हाँ हाँ। एक नारे बावसी को चढ़ा देते हैं तो वो चलने लग जाता था। चलिए, श्री गौरी शंकर महादेव जी, श्री भीमा शंकर महादेव जी, पांडवों को स्थापना। अरे अच्छा, भीमा शंकर कहीं कहीं भीम से जुड़ा हुआ होगा नाम, तो ये पांडवों ने स्थापित किया था, पांडवों के हाथ की है ये। चलिए हम पांडवों के हाथ की बिल्कुल इस लिंगाकार मूर्ति को नमन कर रहे हैं। और अगर हम एक बात, सबसे पूरा है इस बोझ में इतिहास, ये जगन्नाथ महादेव बहुत पुराना है। जी जी जी, जागेश्वर महादेव या जगन्नाथ महादेव, ये सबसे पुराना प्राचीन मंदिर ये था। और अगर हम इधर देखें तो फतेह गिरी जी महाराज, जो कई सौ साल पहले की बात है, और उनके चार शिष्यों ने सामूहिक समाधि, जीवित समाधि ली थी, एक दिन में ली थी। और ये गुफा किन की है साहब? फतेह गिरी जी वापसी की गुफा है, और मैं इसके बाहर से एक बार हम दर्शन करवा देते हैं। देखिए ये गुफा है, और आगे कितनी आगे जाती है, लेकिन ये एक सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, बहुत दूर है। मैं परिक्रमा करते करते ये इन तमाम बातें, यहाँ जागेश्वर महादेव जी, यहाँ श्री नीलकंठ महादेव जी के हम दर्शन करें, श्री गौरी शंकर महादेव। देखिए यहाँ हमने एक बात बड़ी देखी, क्योंकि यहाँ सभी महादेव यहाँ विराजमान हैं। और आए हाय ये आबू के धनी हैं, आबू के एक गार्जियन हैं, आबू के रेस्पॉन्सिबल हैं। और जी 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 जी, अश्लेश्वर, श्री अश्लेश्वर, आबू अश्लेश्वर महादेव जी के भी हम दर्शन करें।
और एक परिक्रमा के साथ, एक परिक्रमा के साथ अगर हम पीछे देखें, क्योंकि मात्र शक्ति का भी बड़ा रोल रहा है। ये किनकी समाधि है सर? गोविंद गिरिजी महाराज की समाधि को हम दर्शन करें। और इसी कड़ी में ये बाई महाराज, जिनको हम जमनागर बाई महाराज के नाम से जानते हैं, ये उनकी जीवित समाधि, और इनको भी हम नमन करें। और इधर हम देख रहे हैं यहाँ धर्मशाला आदि, और हम विशाल पीपल का वृक्ष है और तमाम, और यहाँ अगर हम इस परिक्रमा के साथ हम पाप कंठ महादेव देखिए, नाम से भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि पाप तो ज्यादा पाप किया हुआ है, तो हाथ गलेटी मारी हो तो पाप निवारण हो जाए। हाय हाय, सात गलेटी मार दो, बस 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 बस। और यहाँ हम अगर देखें तो श्री वैद्यनाथ महादेव जी के दर्शन, और ये देखिए, ये आज का दिन बहुत खास, और ये श्री आशापुरी माँ के भी हम देखिए, ये देखो माँ की, ये हम कभी सोचते हैं कि देवनगरी सिरोही आबू क्षेत्र, ये तमाम वो तीर्थ हैं जहाँ देवताओं को भी आने की इच्छा रहती होगी, और इस तरह के प्रमाण हैं। सारे देवता जब हम इतिहास पढ़ते हैं, संतों के मुँह से सुनते हैं, कुछ बातें भले लिखी हुई नहीं हो लेकिन संतों के मुख से, ये आप हम सुंधा, श्री सुंधा माता जी के भी दर्शन करें। और इस तरह से हमने इस संपूर्ण परिसर को देखा है, और ये आज हमारी देव दर्शन की एक यात्रा है जो लगभग पूर्ण हुई है। इस तरह से हम एक यहाँ एक सूचना भी देख रहे हैं, क्योंकि जीर्णोद्धार मंदिरों के होते हैं, और इस तरह से जी इसमो जी का इधर साधु महात्मा भजन करते थे नहीं? हाँ, जब इधर आगरा का स्थान था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमो जी की जगह पे जो काम धुना गाय थी वह अपने आप अटे हमारी दूध देती थी, अपने आप दूध देती थी। ओके ओके ओके, साधु महात्मा देखिए इधर क्या है। अच्छा, वो इधर से पेड़ निकाला, आपो आप प्रकट हुआ ईश्वर जी आपो आप प्रकट हुए, इसलिए तो हम एक बार जब बोलेंगे, बोलो ईश्वर महादेव की जय, बोलो कपिल गंगा मात की जय, बोलो माया भारती जी की जय, बोलो बुद्ध गिरिजी महाराज की जय, बोलो गोविंद गिरिजी महाराज की जय, बोलो फतेह गिरिजी महाराज की, बोलो बालक गिरिजी महाराज की जय। अब बालक गिरिजी हैं, हमको इनका भी आज आशीर्वाद मिला, और मैं अगले अंक में बालक गिरी, हाँ हाँ, तो हम यहाँ के बारे में और अगले अंक में आपको बताएंगे इस मंदिर की क्या महिमा है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को एक बार विराम देता हूँ। जय महादेव।